खा लेते हैं। ये उठा लेते हैं, एक ये चिकन उठा ले, ये स्मॉल वाला दीको का, एक ये उठा ले, खाओ खा लो। ये हलाल और नहीं है कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं रहने के लिए, तो आज सुबह सुबह 8:30 बजे हम दोनों निकले थे ग्रॉसरी करने के लिए। एक अच्छा सा कोरिएंडर उठा लो, सारे फाइल लगे, चलो इनको लेके ब्रेड उठानी है, स्टीविया उठानी है, चीनी है, एक तो ले गई। अच्छा ग्रॉसरी जो है ना वो बेसिकली इस तरह की थी कि गेस्ट आ रहे थे मेरे घर रहने के लिए और कुछ चीज़ें तो मेरे पास जाहिर है रखी हुई थी जो कि हम रेगुलर लेते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, कुछ मैंने ख़त्म होने से पहले ले ली। तो इस तरह से ना एक तो मैं मीट लेने गई थी, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ इसकी भी स्टोरी, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली और बस ये हमारा काम जो है ना कंप्लीट हो गया। ये सारी चीज़ें मैं अभी लेकर आई हूँ। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि मैंने मीट लिया जिसमें कि बोनलेस और थोड़ा सा मटन लिया, बाकी मेरे पास रखा हुआ था। यहाँ पे फ्रीज़र या फ्रिज इतना बड़ा नहीं है तो जितना है तो उतनी चीज़ें मैं लेकर आई, और फ्रूट भी लेकर आई, वेजिटेबल्स भी लेकर आई, फ्रोज़न भी लेकर आई, काफ़ी सारा सामान जो है ना मैं लेकर आई हूँ। घर आने के बाद मैंने सारा सामान समेटा। उस्मान जो है वो रात की ड्यूटी करके आए थे, उनकी नाइट शिफ्ट थी तो वो चले गए उसके बाद सोने के लिए, और मैं लग गई अपने काम पे। तो अभी जो है ना गेस्ट आ जाएंगे, मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि हम लोग आराम से आएंगे, थोड़ा रुक रुक के आएंगे, और मेरे कज़न आ रहे हैं और उनकी वाइफ आ रही हैं और वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा मैं उनकी वाइफ से भी ना फर्स्ट टाइम अभी मिलूँगी, वो इसलिए कि उनकी जब शादी हुई थी आपको याद हो मैं पाकिस्तान में थी और मुझे बहुत ही बुरा किस्म का इन्फेक्शन हो गया था जब मेरे दांत की RCT हुई थी, तो इसलिए बिल्कुल तैयारी हो गई थी लेकिन मैं उनकी शादी पे नहीं जा सकी थी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको घर दिखा रही थी कि घर माशाल्लाह मैंने चमका दिया। कल मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, बस ये थोड़े से काम अभी रहते थे जो कि सिर्फ वैक्यूम रहता था और थोड़ा बहुत रहता था, तो वो मैंने कर दिया। और साथ साथ मैंने सुबह सुबह ही जो है ना वो यहाँ पे स्वीट डिश भी बनानी थी, तो कस्टर्ड बना के सिवैयों वाली जो रंगीन सिवैयाँ होती हैं ना ये वाली बनाते हैं, और ये मैं अक्सर बनाती हूँ, हमारी फैमिली में भी ये बहुत पसंद की जाती है। और मुझे ये तो पता था कि मेरे कज़न क्या चीज़ खाते हैं, कैसे खाते हैं शौक से, लेकिन उनकी वाइफ जो है ना वो पहली बार आ रही हैं। अच्छा मैं ना फिर उनकी शादी पर सारी तैयारी हुई हुई थी, अगर आपको याद हो मेरे पुराने पाकिस्तान के व्लॉग्स देखे हों, मैंने कपड़े भी बनवाए थे, दिखाए भी थे, मतलब सब बैग भी पैक हो गए थे, सब हो गया था। और उसी रात को मुझे इतना बुरा इन्फेक्शन हो गया था कि मेरा दांत जो है ना उसकी RCT करनी पड़ गई थी और मुझे फीवर 104 पे चला गया था। फिर मुझे एंटीबायोटिक्स दी थी डॉक्टर ने, इतनी स्वेलिंग हो गई थी, फेस इतना स्वेल हो गया था कि मुंह ही मेरा खुल नहीं रहा था, ओपन नहीं हो रहा था, तो एकदम से ऐसा हो गया था। फिर उनकी शादी पर मैं नहीं जा सकी थी, उसके बाद फिर वो चले गए थे
उनकी जॉब थी दूसरे सिटी में, और मैं जो है ना वो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हम लोग यूके आ गए। तो अब ये हुआ है कि वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, वो भी और उनकी वाइफ भी, और माशाल्लाह से वो दोनों डॉक्टर हैं। तो अभी वो शिफ्ट हुए हैं, आए हैं। तो अब ये है कहानी के मेरे जो कज़न है ना वो बिल्कुल ही मीट वगैरह नहीं खाते थे। अब मैंने उनसे फ़ोन पे सिर्फ पूछा कि आप खाते हैं अभी भी या नहीं खाते, तो उन्होंने मुझे कहा मैं अब बोनलेस चिकन थोड़ा सा खा लेता हूँ, उसके अलावा मैं ऐसा नहीं खाता। अच्छा, अब ना मैं बड़ी कंफ्यूज थी, अब क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, इस वजह से कि अगर आप मटन बनाते हैं या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मीट के। अब मैंने कहा सब्ज़ी तो मैं बनाती नहीं हूँ, वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बोनलेस चिकन की ना बिरयानी बना लेती हूँ और साथ में कोफ्ते भी बना लूँगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ये बना लेती हूँ, तो जब वो आएंगे फिर मैं देखूँगी वो क्या कहते हैं, उनसे पूछूँगी। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फ़ोन पे पूछती कि आप क्या खाते हैं या आपकी वाइफ क्या खाती हैं या क्या बनाऊँ, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो वो आ जाएंगे तो फिर मैं देखती हूँ। तो अभी मुझे यही समझ आया कि मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि बोनलेस चिकन की ना बिरयानी रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना प्याज मैंने ब्राउन करके और उनको मैंने ब्लेंड कर दिया। ये इतने मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आई थी और बहुत ज़्यादा वो खुश हुए थे जब उन्होंने सुना था कि बिरयानी बनी है और बोनलेस चिकन में बनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है, टमाटर मैंने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि खटास अच्छी लगती है, नमक डाल दिया, चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और सुबह जब मैं गई थी ना तो मेरे पास अभी भी फ्रीज़र में तो मटन वगैरह रखा हुआ था सब, लेकिन मैं एक तो चांपे ले आई, उसके साथ कोफ्ते ले आई, और चिकन जो है ना वो मैं ज़्यादा लेकर आई थी। तो मैंने कहा कुछ ना होगा तो चलो चिकन तो वो खा ही लेंगे, बाकी फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे अब मैं बिरयानी के लिए कोरमा रेडी कर रही हूँ, और मैंने ना एंड में वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि मेरे जहन में ये था कि शायद वो लोग शाम तक पहुँचें, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आज छुट्टी है तो हम आराम से उठ के फिर हम आएंगे, और मोटरवे से आएंगे तो थोड़ा सा रुक रुक के आएंगे, तो हो सकता है हमें शाम हो जाए, हम थोड़ा सा लेट हो जाएं। अब ये तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया कि सुबह से ही मैं लग गई थी, मैंने कहा चलो मैं रेडी करके रख लेती हूँ, अगर जल्दी आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछ लूँगी, खाना जो है ना वो रेडी रखूँ, चाहे दोपहर को आएँ या फिर वो रात को आएँ। तो वो लोग जो है ना वो पहुँच गए थे जल्दी। यहाँ पे तो वैसे भी आजकल दिन बड़े लंबे लंबे होते हैं, रोशनी बहुत होती है। मैंने ना बिरयानी का मसाला सारा रेडी कर लिया, सब कुछ मैंने रेडी करके रख दिया था, मैंने कहा बस मैं दम जो है ना वो एंड में लगाऊंगी, जब मैं रेडी हो जाऊंगी फिर मैं दम लगाऊंगी। अच्छा, अब ये है कि इनको आलू बहुत शदीद पसंद है, तो मैं इसलिए इनके लिए आलू वाली कटलेट्स बना रही हूँ, और इस पर तो वो इतने खुश हुए थे दोनों हस्बैंड वाइफ कि आपने ये बनाया, और ये हमें बहुत बहुत खुशी हुई है कि आपने हमारी मर्ज़ी की चीज़ बनाई है। तो हम लोग बड़ा हंस भी रहे थे, मैंने कहा कि ऐसा होता कम ही है कि कोई ये आए और इस तरह की चीज़ों पे खुश हो, लेकिन खैर ये कटलेट्स और ये चीज़ें ना हमारी पूरी फैमिली में बहुत पसंद की जाती हैं, और ये चीज़ें इसलिए फिर मैंने सोच के बनाई, मैंने कहा चलो मैं वो चीज़ें बनाऊँ जो वो शौक से खा भी लें। आलू मैंने बॉयल कर लिए और इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, चाट मसाला डाला है, और इसमें मैंने धनिया डाल के बस आलू के कबाब समझें आप मैं बना रही हूँ साथ, क्योंकि ज़ाहिर है अब वो दूसरा वाला तो मीट खाते नहीं है, तो मैंने कहा चलो आलू का ही बना लेती हूँ, खा लेंगे यहाँ पे। और बस ये इसकी टिक्कियाँ बना के ना ये भी मैंने रख दी थी, तो ये सारे काम मैंने पहले कर लिए थे। फिर मेरा ये था कि मैंने कहा चलो मैं सारे काम करके ना फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, तैयार हो जाऊँगी, चेंज कर लूँगी, और उसके साथ फिर मैंने फॉइल भी चूल्हे की चेंज करनी थी, तो वो काम भी मेरा रहता था। अच्छा, ये देखिए ये कोफ्ते आलू मैंने बना के रख लिए, और इनमें भी मैंने आलू ऐड इसलिए कर दिए थे, मैंने कहा चलो खाली शायद मीट ना भी खाएं तो आलू मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, सारे काम मेरे हो गए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैंने बिरयानी को दम लगाना था, और इस वजह से मैंने कहा फॉइल मैं एंड में चेंज करूँगी, क्योंकि अभी मुझे पता था मैं कुकिंग कर रही हूँ तो ये ख़राब हो ही जानी है, तो इसलिए सारे काम करके ना फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉइल चेंज कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जितने भी पॉट्स थे जिनमें कुकिंग हो रही थी तो वो मैंने दोबारा रख दिए थे। अच्छा, मैंने चने भी बॉयल कर लिए थे क्योंकि मेरा इरादा था कि सुबह को मैं चनों वाला नाश्ता बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं चने भी रेडी करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस ये सारे काम जो है ना मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गए थे। अब यहाँ पे जो मैंने बनाई थी कस्टर्ड, अच्छा ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखते हैं, ठीक नहीं रखते इसको, क्योंकि इसमें एक तो सिवैयाँ हैं, दूसरा भी मैंने इनको फ्रिज में रखना था, और अगर आप ये बहुत ही थिक करते हैं ना तो ये अजीब सी बन जाती है। तो ये जब भी बनाएं तो इसको थोड़ा सा ज़रा आप पतला रखेंगे, बहुत पतला नहीं थोड़ा सा पतला, ये देखें अभी ये हल्की हल्की गर्म थी और उसके बावजूद भी ये थिक होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं जो है ना बस इसके बाद
इसको मैंने इसमें डाल दिया था और फिर बाद में मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये हम सबको बहुत पसंद है और ये जो रंगीन सिवैयाँ इनमें डाली जाती हैं ना, तो इससे ये बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे केक नहीं था तो मैंने ट्राइफल वगैरह बनाया ही नहीं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, और फ्रूट मैं कस्टर्ड में इनमें बिल्कुल नहीं डालती हूँ क्योंकि वो किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जेलीज केक्स या ये चीज़ें डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, फ्रूट में ऐड नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते, वो तो जेली भी नहीं खाते हैं इसमें, वो बस प्लेन कस्टर्ड खाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था। मैंने कहा चलो अभी तो वो रहेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह देख लेंगे। यहाँ पे मैंने बर्तन निकाल के रख दिए थे, प्लेट्स भी निकाल ली थी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, मज़े की बात ये कि मैंने ना वैसे सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के और सारी तैयारी कर ली थी, यहाँ पे मैं खुद भी रेडी होके आ गई थी। अब मैं बिरयानी को दम लगा रही थी और मुझे मोबाइल का तो बाद में होश ही नहीं रहा ना, ना मैंने टेबल की वीडियो बनाई क्योंकि वो आए थे फर्स्ट टाइम और मैंने कहा मैं क्या कैमरा उठा के या मोबाइल उठा के बैठूं। तो बिरयानी को दम आ गया था तो मैंने उनसे पूछा कि चाय बनाऊं या खाना बनाऊं, खाना लगाऊं, तो उन्होंने कहा कि क्या है, मैंने कहा मैंने बिरयानी बनाई है और ये है, तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हम तो अभी बिरयानी खाएँगे। तो आप सालन खैर अभी ना दें, बिरयानी हमें ज़रूर दें, हमने बिरयानी खानी है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो उस टाइम तक ना बिरयानी को बड़ा मज़ेदार सा दम आ गया था, तो मैंने कैमरा मोबाइल उठाया ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला गया और मैं जो है ना बस फिर उनके साथ गपशप में बिज़ी हो गई थी। और यहाँ पे इस घर में वैसे तो मेरे पास गेस्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन रहने के लिए मेरे पास ना फर्स्ट टाइम आ रहे थे। और हमारा बचपन बहुत बहुत प्यारा हमारा टाइम गुजरा है, तो इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे पास फर्स्ट टाइम वो स्पेशल छुट्टी लेके टाइम निकाल के आए हैं। अच्छा जी, तो बस यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह आपके साथ बाकी करूँगी मैं कल। यहाँ पे खाना खाते खाते मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो आपको कुछ दिखाया ही नहीं बाद में, तो ये कस्टर्ड भी बस फिर मैंने सर्व कर दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।